See you straight away. Should we just give the World Cup to India? Because it looks like, you know, it's like they're unstoppable. I think that won't be fair, but the fair would be rest of the world versus India. Yeah, I think that's the only thing we've left here, yes? I mean, total domination, like you mentioned in your intro. All three aspects of the game, batting, bowling, fielding, chahe wo pehle fielding kare, chahe wo pehle batting kare. Complete control, shobon mein. Aur, आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने, और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की आजकल सब गाइस कैसे हो आप लोग, हम फिर आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो का आपने मेन हिस्सा देखना है तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। भारत ने जीता शानदार मैच और कॉमेंट सेक्शन में टी शर्ट पर होने हैं कॉमेंट। आपको पता है कि मैं ये टी शर्ट पहन के वीडियो शूट करता हूँ, बट लिटरली अगर आप मेरे को टी शर्ट देना चाहते हैं या कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हैं भाई, एक कोई इंडिया टीम वाली टी शर्ट देना चाहते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो बहुत कई लोग तो बहुत नेगेटिव भी कॉमेंट कर रहे हैं और कई लोग और बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, तो प्लीज इंस्टा आईडी पे डीएम करो, टी शर्ट गिफ्ट कर दो। रही बात लुक की, भाई बड़े बाल हैं, 2 बजे शूट कर रहा हूं तो ये कैप मुझे पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं 2 बजे कंघी क्रीम मेकअप करके वीडियो शूट नहीं कर सकता हूं। तो आप समझने की कोशिश करो और वीडियो एंजॉय। ही इज ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर दैट गाय इज। आई मीन आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी, इवन टॉस जीत के भी। इनका पहला एक तो कप्तान जो शुरू हुआ ना, सारा प्रेशर तो वहां से ऑफ हुआ, ऑफ अमेजिंग। आई मीन वो लग रहा था कि इज समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। आई नो मैम, यू नो दैट गाय इज जस्ट समथिंग अनबिलीवेबल। 40-24 गेंदों पे 6 चौके, 2 छक्के। सो उसके बाद प्रेशर ऑफ, पहली विकेट गिरी 62 पे एंड उसके बाद सेकंड विकेट गिरी इनकी 93 पे, बट तब तक द टाइड वाज शिफ्टेड टुवर्ड्स इंडिया। और आई थिंक उसके बाद साउथ अफ्रीकन वाज जस्ट कैचिंग अप एंड दे कैन जस्ट वॉच नो ऑफ रोहित शर्मा द वे ही स्टार्टेड। आई मीन व्हाट अ प्लेयर, अनबिलीवेबल। ओपनिंग से क्या होता है फखर की, जो आपके नीचे के बैट्समैन होते हैं ऐसी पिच पे प्रेशर ऑफ हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 40 किया इन्होंने, मगर 40 था बड़ा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद किंग आए, किंग कोहली आए, विकेट मुश्किल थी, आसान नहीं थी, बॉल फंस रहा था। टर्न महाराज ने जो बॉल किया गिल को, क्या खूबसूरत बॉल था, राइट। और उसके बाद आई थॉट कि आउट कर लेंगे इनको, 2 आउट कर दिए हैं, बट नहीं, उनके कोहली हैड समथिंग एल्स इन हिज माइंड। बिल्कुल, पहले जिस किस्म का ये पिच है, इस पिच पे 10 ओवरों में 91 रन, दैट अलाउड बेसिकली विराट कोहली के वो टाइम लें, क्योंकि जैसे जैसे गेंद पुराना होता गया, स्पिनर्स आए तो विकेट बड़ी मुश्किल हो गई, 1 रन करना मुश्किल था, सिंगल्स इवन डिफिकल्ट थे, बट अगेन विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई वहाँ पे। एक्चुअली आराम से मेक किया, जहाँ बाउंड्री वहाँ पे बाउंड्री डीप गए, टीम को लेके गए एंड तक और एक बेस सेट की। नॉट ओनली दैट, हम तो ये तो देख रहे हैं जो हाइलाइट्स में नजर आ रही है ना, शॉट्स वगैरह उनकी, मिस बात द अमाउंट ऑफ सिंगल्स दैट ही टुक इन। मैं वो देख रहा था व्हेन ही वाज इन हिज 70s एंड 80s, द वे ही वाज रनिंग इवन इन दैट, यू नो, आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दैट टाइम एट द क्रीज। एंड इन फैक्ट आई थिंक आई हैव टू डिसएग्री विद पीपल नाउ। आई मीन ये किंग विंग जो है ना, किंग कहना कि जी किंग कोहली है, किंग कोहली है, आई थिंक दैट हैज़ टू बी अबैंडन्ड, बिकॉज दिस इज नॉट किंगली स्टफ एट ऑल, दिस इज नॉट किंग। सो वो आप लोग कहते हैं जी ओ किंग कोहली, ही इज नॉट अ किंग, आई एम सॉरी, आई नो यू माइट नॉट लाइक इट, ही इज नॉट अ किंग, दिस इज एम्परर स्टेटस, दिस इज नाउ एम्परर स्टेटस वेर ही इज गोइंग। बिकॉज इंटरेस्टिंगली अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे शोएब मलिक, इज दैट ही इज गॉट इन दोज 49 सेंचुरीज इन अबाउट 200 and something गेम्स, वेर एज जिनका रिकॉर्ड उन्होंने आज इक्वल किया सचिन तेंदुलकर, अनदर ग्रेट ऑफ द गेम, हिज वॉज डन इन सम 400+ इनिंग्स, 462 इनिंग्स, राइट, एंड दिस गाय हैज डन इट इन 277, yeah, 277, yeah, so 451, 462, 451 innings for Sachin Tendulkar and 277 innings for Virat Kohli. Unbelievable. I think words are not enough. I always say this to praise this fellow. No doubt, जो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड बराबर किया है। बट एक और चीज़ बड़ी मज़े की है, वो ये है कि इनके जो हंड्रेड्स हैं वो बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हुए हैं साथ में। yes. ये दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि मेरे नज़दीक चेज में बहुत जबरदस्त जी, तो उसमें देखें 100 बनाना इट्स ऑल्सो मैसिव डील, और क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए, बट उसके साथ जब आप मैच जितवाते हैं उसके आगे कुछ नहीं है। एंड आई गेस एक उनकी और बड़ी मजे की चीज़ है विराट की, कि वो
कंडीशंस को बहुत अच्छे से असेस करते हैं। आउट भी हो जाएंगे तो वो ऐसे लगता है कि एक ही बैटर खेल रहा है, एक एंड पे कोई नहीं है, लेकिन रन आ रहे होते हैं वहाँ से। जैसे हमने देखा इस वर्ल्ड कप में भी देखा, ओवर द ईयर्स वी हैव बीन वॉचिंग हिम बैटिंग लाइक दिस। तो उनने एक चीज़ और बड़ी मजे की है, फिजिकल फिटनेस उनका नेक्स्ट लेवल है। True. Today he celebrated his 35th birthday, but ऐसे लगता है कि 25 साल का बच्चा जो है वो भाग रहा है। yeah. जैसे वो टूज लेते हैं, as you mentioned, जब आप उनको प्रेस कर रहे थे, तो फिजिकल फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको क्या करती है जो विराट करते हैं, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कराती है। इसीलिए आप देखें कि वो 50 ओवर फील्डिंग भी करके आए, यू डोंट सी एनी डिफरेंस इन हिज फिटनेस। वो पहले बैटिंग करें कोई डिफरेंस नहीं आता, वो वापस फील्डिंग है, शॉर्ट फाइनल लेग पे भी नहीं खड़े होते, वो जाते भी हॉट स्पॉट्स पे खड़े होते हैं। और देखें 38 सर्कल के बाहर अगर रिक्वायरमेंट है दो रन बचाने हैं, अच्छा को कैच लेना है, रनिंग कैच लेना है, यू सी विराट फील्डिंग एट दैट स्पॉट। अगर सिंगल रोकना है 38 सर्कल में, आप बैक फुट पॉइंट देख लें, एक्स्ट्रा कवर देख लें, शॉर्ट मिड विकेट देख लें, मिड ऑफ देख लें, मिड ऑन देख लें, ही इज देयर, दैट्स द कमिटमेंट लेवल। और वो तभी आ सकता है जब आपकी विराट जैसी फिटनेस हो। Well, let's, okay, so Rohit Sharma comes in, sets the tone, as you said, destruction from the top, and tittar-bittar upar se sabko karne ke, tess-ness karke, and then you have people like Shubman Gill right behind him, and then Virat Kohli comes in, goes deep into things, but even how, about Iyer today? Iyer yeah. was batting amazing today, Mohin, he was fantastic. Ji, bilkul, ek pressure to aaya tha, 10 overs mein jab 91 runs hoye, do wickets giri hain wahan pe, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता था कि दोनों को स्टे करना था पिच के ऊपर। यू नो पिच इतनी इजी नहीं थी, एज वसीम भाई मेंशन, कि वहाँ पे एक बिल्डअप करनी थी पार्टनरशिप, और एट द एंड हमने देखा कि ये बिल्ड हुई पार्टनरशिप जस्ट कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, कोई ऐसा अननेसेसरी कोई हिट नहीं मारी है। टर्न बहुत हो रहा था बॉल बीच में जब केशव महाराज बॉल करने आए थे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते, बट उनके अगेंस्ट जिस तरह खेली है, बैटिंग की है, लाइक बिल्कुल विद द स्पिन ऑन द पिच पे जाके बॉल की डाउन द विकेट भी निकल के एक दो शॉट्स मारे, लेकिन कहीं भी कोई रैश शॉट। एक इनिंग के अंदर विराट को एक चांस जरूर मिला था, लेकिन शिराज ने नेचुरली प्रेशर नहीं आने दिया उनके ऊपर बिल्कुल, बिकॉज दूसरे एंड से टोटली बाउंड्रीज मिल रही थी, तो प्रेशर right. भी रिलीज हो रहा था साथ साथ। आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग, स्पेशली इस थर्ड विकेट जो पार्टनरशिप हुई है, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप। इस शिराज अय्यर को बहुत अच्छा उन्होंने ना चार नंबर पे रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, और खड़े खड़े बहुत कम बैटर्स हैं जो क्रीज में रह के जो है स्टिल डाउन द ग्राउंड छक्का मार लेते हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। और केएल राहुल स्कोर लॉट्स ऑफ रन्स, बट ही वॉज इंजर्ड श्रेयस अय्यर, लेकिन जब वो लेके आए तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी की कि नहीं, श्रेयस जो है ही वुड बैट एट 4 और 5 पे केएल राहुल आएंगे, अगर जल्दी आउट भी हो जाते हैं क्योंकि वो चांस लेके खेलते हैं, तो केएल राहुल जो है वो उस चीज़ वो प्रेशर ऑब्जॉर्व करेंगे और एंड पे लेके जाएंगे। शमसी की बॉलिंग आपने देखा है जो शॉर्ट अय्यर की बात करोगे, वो इतने आराम से उसको पिक कर रहे थे, जो गुगली किया है मिड ऑफ के ऊपर से आराम से मारा, और जो नॉर्मल बॉल अंदर आया वो बड़े मजे से स्केयर लेग पे सिंगल, सो ही वाज जस्ट पिकिंग हिम एवरी बॉल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीकन बॉलिंग, बट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक राइट हियर ऑन द पवेलियन, विल सी ऑन द अदर साइड। Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar Ahmad. Dekh rahe hain Sports Sense, Sports Sense, the RY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. And the news is that India have completely dominated South Africa in their game. And South Africa, well, they've just experienced the biggest defeat in their history, more than 200 runs. And we're talking about the South African bowling. Wasim, what was wrong about the South African bowling? Because it was not an easy pitch. Then how come India ne 326, of course, outstanding batting skill, but there must be something not right on their side. I think for starters, their main bowlers, Marco Jansen, who has been bowling really well in this World Cup, getting almost 2 wickets in power play, good pace, good variations, good bounce, he's 6'5", 6'6", a tall guy. He went for 94. And I think the first over he bowled, you could tell ke, you know, these guys are just under pressure big time. And then spinner, jahan Maharaj ne kya zabardast bowling ki hai. 10 overon mein 30 run deke ek wicket. Aur usne ball slow ki hai. If you note, jo usne Gill ko ball kiya hai, bilkul flighty delivery, about pace was between 80 to 84 kilometers kind of an hour. That one. So, baat karein, Samshi ki, usko phadkaas padi hai, theek thaak.
I thought he'll bowl really well. मगर कमिंग बैक टू महाराज अगेन गुड वेरिएशन गुड पेस गुड लाइन बिट्टों में रखा है बॉल उसने कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की जिस तरह गेंद स्पिन हो रहा था थोड़ा सा अटैकिंग लाइन होती अगर ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल करते फील्ड सेटिंग की भी समझ नहीं आई जब ऐसा टर्निंग पिच होता है आपको पता है कि टर्निंग बैक इनटू राइट हैंडर तो आप स्वीपर पीछे नहीं रखते आप चाहते हैं कि ये पीछे जाके मुझे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले बोल्ड होने का चांस है आप लॉन्ग ऑफ रखते हैं वहीं पे जो गेंद थोड़ा करीब गिरा सामने उन्होंने कैश किया एयर ने दो शॉट मार दिए जिसकी वजह से फिर उनको और ज़्यादा टांग पे जाना पड़ा आप अलाउ करें अपने बॉलर को कप्तान की भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बॉल करना चाहिए था यहाँ पे ये यहाँ से बॉल जो भी किया वो मुश्किल हो रही थी दोनों तरफ बट ही स्टेड डाउन द लेग आपको कुछ भी नहीं मिलना स्क्वायर लेग पे सिंगल है फाइन लेग पे सिंगल है इन बिटवीन बड़े आराम से मिल्क करते रहे अटैकिंग लाइन नहीं थी सो आई थिंक बीच में आके जैसे महाराज ने प्रेशर डाला अगर ये अच्छी बॉलिंग करते तो कम बैक हो सकता था उनका बट बॉलिंग मेरे ख्याल में लाइन बिल्कुल ऑफ लाइन थे टांग पे बॉलिंग पहले अगर हम शमसी के दो ओवर्स देखें सो ही वॉज बॉलिंग फुलर हम उसको कहते हैं कि जो फ्रंट फुट पे बैटर खेलता है जैसे ही थर्ड ओवर से वो आए उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग शुरू कर दी रीजन यू थिंक उसका रीजन ये है कि व्हेन यू प्ले टू मच T20 क्रिकेट तो आप क्या करते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पिन नहीं होता T20 जब क्रिकेट आप खेल रहे हो तो स्पिनर का ज़्यादा स्पिन नहीं होता तो आप जो है ऐसी जगह पे बॉल गिराते हैं जहाँ पे बैट्समैन अगर डाउन द ग्राउंड भी आया है तो वो फिर भी उससे थोड़ा सा बॉल दूर हो जाए तो ये उन्होंने जो है मिस्टेक थी उनकी जब आप एज अ रिस्ट स्पिनर खेल रहे हैं तो फिर आप अटैकिंग बॉलर हैं यू हैव टू टेक विकेट्स दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि अर्ली ऑन विकेट्स नहीं मिली थी तो ये उनका काम था विकेट्स लेना तो उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि बॉल को क्लोज करना पड़ेगा फ्रंट फुट पे ताकि वो दोनों एजेस जो बैट के हैं जैसे ये बैट है उनका गुगली जो है इस वाले एज को टारगेट करे और जो बॉल अंदर आता है वो इस वाले को करे देखें कुलदीप का और उनका यही डिफरेंस है कुलदीप जो है वो फुलर बॉल करते हैं वो बैटर को एक रन नहीं बनाने देते विराट ने बड़े आसानी से सिंगल्स बनाए पीछे जाके बैक फुट पे या स्क्वायर लेग की तरफ हम लोगों ने शरियास को देखा उन्होंने पीछे बैक फुट पे जाके बहुत सारे रन बनाए एक चीज़ और भी है इसकी वजह ये भी हो सकती है उनको थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे काम करना पड़ेगा मैन यू बॉलिंग 4 ओवर्स ठीक है आप जहाँ बॉल गिराना चाहते हैं आप गिरा सकते हैं लेकिन बॉलिंग 10 ओवर्स यू गॉट टू बी फिट इनफ टू बॉल 10 ओवर्स जहाँ भी आप गिराना चाहें लेकिन मेन जो मेरे ख्याल में डिफरेंस है मलिक ने जो बात की है वही है लॉन्गर वर्जन महाराज इज अ वेरी गुड बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो अब वो उसको इतना कंट्रोल है चाहे वो स्लो करे तेज करे वो जो एरिया है जैसे मलिक कर रहे हैं आगे से गेंद करना है और स्ट्रेच कराना है बैट्समैन को फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट वो T20 के बॉलर से मुश्किल है और नहीं हो रहा शमसी से वहाँ एक जगह पे T20 के लिए ठीक है वनडे के लिए मैसेज यही है हर यंगस्टर को हु वांट्स टू बी अ स्पिनर एंड प्ले फॉर योर कंट्री एंड रिप्रेजेंट योर कंट्री इज द मोर लॉन्गर वर्जन यू प्ले इवन क्लब क्रिकेट में चलो 50 ओवर का मैच तो होता होगा ना 40-50 ओवर्स वो खेलो 20 जरूर खेलो बट वो खेलोगे तो आपकी जो मिसबा बात कर रहा है शोएब मलिक बात कर रहे हैं कि आगे से टर्न होगा बॉल जो आज कुलदीप ने किया Yep, that's how it was said. Talk about the Indian bowling now that you brought up Kuldeep. I mean, what do we do with this Indian bowling? Aaj beshak wo Bumrah ke paas wicket nahi thi. Nahi, but Bumrah was, usne nachaya hua tha, yaar. Man in form, good nick, usne, what's his name, De Kock, usne jo pehla over kiya, kabhi uske balle ke yahan laga hai, kabhi usko open kiya usne. And with pace, 140, 142 kilometers, ye dekhe na. Ab is pitch pe, it was a slow pitch. It was a slow pitch, but it's just the control. Yorker, mostly, उसने सिर्फ इसे बाहर ही लेके गया है और विकेटों में बॉल खत्म हो रहे हैं देखें लेंथ देखें जो हम बात करते हैं कीची हुई बैक ऑफ अ लेंथ वो ये लेंथ है ये देखिए वहीं से बाहर वहीं से अंदर अनलकी रहा विकेट नहीं मिली बट अगेन लीडर ऑफ द पैक है ही स्टार्टेड टू कहता है बुमराह वोंट गेट यू सिराज विल इफ सिराज डजंट देन शमी विल द अमाउंट ऑफ क्विंटन डी कॉक फेस्ड बुमराह इन द नेट्स क्योंकि दोनों की जो बैकग्राउंड है वो मुंबई इंडियंस की है स्टिल उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है कि इतना खेलने के बाद भी
he was creating lots of trouble to I guess they both know each other too well. Bumrah knows what his weak points are and he knows what both ways. सबसे जो important चीज़ है कि as a fast bowler वसीम भाई को पता कि आप पहले एक दो ball आपको settle down होने में लगता है कि पता नहीं कितना swing होगा. I know पहले ball से मुश्किल है. कमाल ये है कि वो टांग के बाहर से out swing कर रहा है और उसको exactly पता कि finish कहाँ पे हो रहा है गेंद. ये This is control बहुत कम देखने को. And I believe that in when I was gone in my absence there was also conversation about के पता नहीं इंडिया की टीम को बॉल कोई और दी जा रही है तो बॉल उनका ज़्यादा स्विंग हो रहा है. मोइन ऐसी कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकती है? I think जिस तरह वसीम हो रहा है टॉस भी जो है ना सिक्के भी ठीक नहीं है बॉल भी उनको जो है कोई गलत दे रहे हैं. पिच भी माय पीस ऑन इट आई नो डीआरएस भी वो मर्जी जितनी ज्यादा सेम गेंद की लगेगी पिच के ऊपर उतना ज्यादा चांस होता है गेंद का मूव होने का भी. हमने सिराज को भी देखा और शामी ने जिस तरह इवेंचुअली आके बॉलिंग की दे जस्ट ट्राइंग टू हिट द डेक वो करते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी है बॉल वर्क करता है. और ये शुरू में भी जिस तरह बुमराह ने आके गेंद किए प्रेशर तो क्रिएट उन्होंने ही किया वहीं से जो इन फॉर्म बैट्समैन जिसने 400 किए हुए थे साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल बैकफुट पे नजर आए उनको. मोइन भाई ने जो बात की ना उसकी सिराज की अगर हम एक बॉल दिखा सकते हैं जो कि क्विंटन डीकॉक को इनसाइड एज लग के शूज पे लगा एंड ही टुक ट्रीटमेंट. अगर सिर्फ हम सीम पोजिशनिंग उस बॉल की देख लें हाँ ये वाला बॉल अगर क्लोज अगर देख सके पीछे वाला जो बॉल था पहले वाला जो बॉल था तो वो वैसे ही पता चल जाएगा कि सीम पोजीशनिंग इतनी परफेक्ट है. बट लुक एट सिराज हिज रिदम इज इन सबकी रिदम बुमराह की रिदम खत्म होती है तो सिराज की बोल जाती है कॉन्फिडेंस आया हुआ है बिलीव आया हुआ है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रूविंग इट एंड इट शोज इन देयर बॉडी लैंग्वेज नॉट ओवर अग्रेशन बट कंट्रोल अग्रेशन एज अ फास्ट बॉलर. आई मीन शामी को प्रॉब्लम नहीं है तीन नंबर पे आता है कोई नया गेंद भी नहीं है सेमी न्यू बॉल मिल रहा आके ठक ऐसे ठक बार वही बैक ऑफ अ लेंथ वही आके सीम मारता है सटल सी उसकी सीम में चेंजेस होती हैं सटल सी. सो जो सीम और स्विंग की आप बात करते हैं ये डिफरेंस है शामी का. सिराज और बुमराह स्विंग कर रहे थे शामी स्टिल सीम कर रहा था. एक और अच्छी चीज़ है कि तीनों ही इन फॉर्म है ये आप जो बॉल मांग रहे थे हमने ढूंढ लिए इसका मतलब है कि बॉल ने अंदर आना राइट और अगर यही हम कंपेयर कर तो नहीं सकेंगे बट फॉर आर्गुमेंट सेक स्पीकिंग अगर हम हारिस रऊफ की सीम देखें तो वो आपको हमेशा ऐसे ऐसे जाती दिखी आएगी फिरती हुई नजर आएगी या वो वॉबली होगी जिसे हम कहते हैं या वो क्रॉस होगी उसकी वसीम में मतलब रीजन तो रिस्ट ही है ना. रिस्ट ब्रेक होगी तो जाहिर है आपकी स्विंग फिर यूं हो जानी है. जितनी सीधी रहेगी और बिहाइंड द बॉल रहेगी तो जिधर की डायरेक्शन होगी उधर को बॉल ऐसे बट हाथ से निकलते ही नजर आता है कि ऐसे गेंद. अनदर क्वेश्चन कम्स अप कैन एट दिस लेवल रिस्ट चेक लुक एट दैट रिस्ट पोजीशन लुक एट दैट पीछे फॉलो किया सीम को पूरा ऐसे ये रिलीज देखेंगे ये और एंड में मारते भी हैं सर देखें ये हल्का सा ये तुनका जैसे रिस्क कहते हैं हम वो मारते हैं ये तो यही कंपेयर मैं हारिस रऊफ की कर रहा हूँ उसकी वॉबली है बिकॉज एक तो उसका सर बड़ा हिलता है इट्स एंड ऑफ द डे इट्स ऑल. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी. भारत ने इतना आउटस्टैंडिंग मैच जीता है कि मुझे पाकिस्तान से कल तक तो शायद बहुत फनी वीडियो मिल जाएंगे. शायद फिर से ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जिसमें वो बोलेंगे कि भैया इनकी जो गेंदबाजी है ना ये बीसीसीआई गेंद चेंज कर देता है बॉल चेंज कर देता है एक्स्ट्रा ऐसी कोई स्विंग और स्पिन होने वाली बॉल दे देता है जिससे कि इनके बॉलर्स को ज़्यादा कुछ मतलब स्पिन या स्विंग या सीम्स मिलता है. तो यार भारत इस समय डेफिनेटली मुझे 2003 की ऑस्ट्रेलिया मैंने वो वर्ल्ड कप लाइफ में पहली बार देखा था. मतलब क्रिकेट में अगर समझ आई है तो 2003 से ही आई है. तो वो जो वर्ल्ड कप था वैसा कुछ टीम इंडिया खेल रही है लिटरली बता रहा हूँ वैसा कुछ खेल रही है. और उम्मीद करते हैं कि वैसा ही कुछ फिनिश हो. और भारत का सेमीफाइनल ज़्यादातर चांसेस बन रहा है न्यूजीलैंड के साथ. और अगर कोई कुदरत का निज़ाम कुछ काम करता है पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के साथ चांस बन सकते हैं और कोलकाता में होगा पाकिस्तान के साथ. और भारत नंबर वन पे रहेगा ये कन्फर्म है. तो भारत का जो सेमीफाइनल है शायद कोलकाता में हो ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है. और सुनने में क्या मतलब ऐसा 1-4, 2-3 तो आप समझो. हालांकि मैं ये सेमीफाइनल वाले सिस्टम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ. अगर कोई टीम नौ लगातार मैच खेलती है तो उसको एक मैच में हारने के बाद उसका साथ मतलब
जो टॉप पे है या टॉप टू पे है तो उसके लिए प्ले ऑफ्स होना चाहिए जैसा आईपीएल में होता है। ये बिल्कुल अनफेयर है। अगर आप पूरा इतना लंबा टूर्नामेंट अच्छा खेलो और एक दिन आपका ख़राब चला जाए सेमीफाइनल वाला दिन, तो फिर आप सीधा वर्ल्ड कप से बाहर। तो ये बिल्कुल अनफेयर है। इसमें प्ले ऑफ्स होना चाहिए जैसा आईपीएल में होता है। तो एटलीस्ट जो टीम नंबर फर्स्ट पे है और सेकंड पे है उनको कुछ बेनिफिट तो मिले। आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय दें। हालांकि ये कुछ होने वाला नहीं है राय देने से, क्योंकि आईसीसी में ये सिस्टम नहीं है, आईपीएल में चलता है। विराट कोहली ने आज जो सेंचुरी मारी है, मेरे साथी मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि आज विराट कोहली बहुत स्लो खेल रहा है, सेल्फिश है, सेंचुरी के चक्कर में मर रहा है ये वो, बट विकेट में स्पिन थी, विकेट थोड़ा सा टफ था। अगर आसान होता तो भारत के जो बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका का हाल किया है उससे आप समझ जाओ कि विकेट टफ था। मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ रोहित शर्मा से, जिस तरीके का बिल्कुल मतलब केयरलेस शॉट मारा रोहित शर्मा, बहुत ही मतलब ऐसे लग रहे थे मुझे दो छक्के उन्होंने मारे कि आज ये बहुत बड़ा रन आने वाला है इनकी तरफ से, कुछ शायद दोहरा वोहरा ना आ जाए। यहीं पर इन्होंने दोहरा शतक मारा था 264 रन का। तो बस कितना घटिया शॉट मार के वो आउट हुए। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल खेले रोहित शर्मा, विराट कोहली इस टीम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे आप गिल को रख लो, केएल को रख लो या अय्यर को रख लो, और सूर्या भी रिवर्स और ये उल्टे सुलटे शॉट के चक्कर में आउट हो रहे हैं। सूर्या फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। सूर्या से चाहिए हमें फिनिश, अच्छा फिनिश। जडेजा उसी लेवल के प्लेयर हैं विराट कोहली रोहित शर्मा के लेवल के, अगर आप देखें ऐसा खेलते हैं वो, और सबसे सीनियर प्लेयर्स में से एक हैं जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट के बारे में प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा। वर्ल्ड कप 11 तारीख तक तो बिल्कुल अभी नहीं पता चलेगा कि कौन सी टीम पहुँच रही है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का अगर मैच बारिश की वजह से कुछ लफड़ा होता है तो फिर पाकिस्तान को मैच जीतना बस है, और अगर लफड़ा नहीं होता है एक रन से न्यूजीलैंड जीतता है तो पाकिस्तान को 130 रन से जीतना है। तो मतलब मैं पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से आउट समझ रहा हूँ, कुदरत का निज़ाम ही इनका साथ दे सकता है। कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। टी शर्ट अगर मुझे आप नहीं दिलाना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टा पर जाकर मुझे टी शर्ट भेजें।